हाय एवरीवन वेलकम टू करंट क्रांत स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो करंटली हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर टेन जो आपकी नितिन सांगवान एसेंशियल सोशियोलॉजी पेपर भी लेटेस्ट एडिशन का है ठीक है तो अगर आपने अभी तक मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे आपको मेरी चैनल पे सेपरेट प्ले मिल जाएगी पेपर ए की नितिन सांगवन सर की बुक से जो की कंप्लीट हो गई है प्लस आपको आने वाले टाइम में इग्नो मटीरियल रिलेटेड टू योर एग्जाम यूपीएससी सोशलॉजी और स्टेट पी एस प्लस कुछ थिंकर्स की सीरीज रिविजन सीरीज ठीक है ये सारा मैं अपनी चैनल पे अपलोड करूंगी तो इफ़ यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दीज थिंग्स टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मुझे कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं अगर आप सुपर थैंक्स भेजना चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में हार्ट के अंदर डॉलर साइन वाला एक सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिल जाएगा या आप वॉलेंट्रली भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मेरी चैनल की तरफ मेरा यू पी आपको चैनल uh, के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा या कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ भी आप देख सकते हैं ठीक है तो विदाउट मच डिले हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो प्रॉब्लम ऑफ रूरल लेबर अब देखो रूरल लेबर किन को बोला जाता है ये आपकी लैंडलेस क्लास है इंडियन सोसाइटी में ठीक है जो काम करती थी पहले अंडर जजमानी सिस्टम जजमानी सिस्टम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बेसिकली आगे वाले जो एक दो टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं उसका मेजोरिटी पोर्शन मैंने आपको ऑलरेडी जो है अलग अलग टॉपिक्स में बताया हुआ है फाइन तो आपके लिए काफी ईजी होगा वो समझना तो एक तो जजमानी सिस्टम के अंदर काम करते थे इनकी अपनी कोई जमीन नहीं थी जब जजमानी सिस्टम से फिर मनी इकोनमी की तरफ आ गए जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो हमें कॉन्सेप्ट आ गया प्राइवेट ऑफ वेल्थ हो गई तो अलग अलग क्लासेस इमर्ज हो गई एंड उनको जरूरत पड़ी और ज्यादा लेबर्स की काम करने के लिए ठीक है तो ये रूरल लेबर्स थे लैंडलेस थे जिनको फुटलूज लेबर भी बोला जाता है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है ठीक है फुटलूज लेबर्स तो ये वाली जो क्लास थी ना ये सबसे ज्यादा एक्सप्लोएटेड क्लास थी वो हम देखेंगे कैसे वो सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है जो रूरल लेबर है बिलोंग टू द दैंडेस्ट क्लास इन द इंडियन सोसाइटी एंड पहले ही काम करती थी अंडर जजमानी सिस्टम जजमानी सिस्टम देखो अब रूरल क्लास रूरल लेबर है ठीक है लैंडलेस क्लास है दैट मीन्स ये वो सो कॉल लो कास्ट को बिलोंग करते होंगे तो एक तो इकोनॉमिकली भी वीक है पैसे भी इनके नहीं है एंड प्लस कास्ट से भी जो थे ये एक्सप्लॉयट हो रहे थे तो इनकी एक तो इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन भी थी इनकी कास्ट बेस एक्सप्लोइटेशन भी थी तो हर साइड से इनका क्या था बुरा हाल इवन आज की सेंचुरी में भी हमने जो बेगार वाला कॉन्सेप्ट देखा है बेगार ठीक है जिसको हम बॉन्डेड लेबर बोलते हैं बंधुआ मजदूर बोलते हैं वो आपके बेसिकली रूरल रूरल लेबर्स ही हैं ठीक है पोर फाइनेंशियल मटेरियल सिक्योरिटी थी इनके पास इस वजह से हमेशा इनको लाइफ ऑफ मिजरी ही जीनी पड़ी है अभी तक जो कंटिन्यू हो रही है और तो गवर्नमेंट इनके लिए कुछ ना कुछ करती रहती है पर देन वो वही बात है ना गवर्नमेंट तो करती है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है मेन प्रॉब्लम हमेशा हमें इंप्लीमेंटेशन में देखने को मिलती है जब से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया कॉलोनियल रूल के बाद जो प्रॉब्लम्स हैं रूरल लेबर की वो और ज्यादा बढ़ गई न्यू क्लासेस इमर्ज एंड रूरल लेबर जो थे बिकेम सब्जेक्ट ऑफ एक्सप्लोटेशन एट द हैंड्स ऑफ द ऑफीदार डोमिनेंट कास्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स ठीक है देवर ऑफन टेकन एज बेगार और अनपेड लेबर बाय देम बंदुआ मजदूर उनको बनाते थे क्योंकि नई नई क्लास आ गई क्लासेस बीच में इमर्ज होना शुरू हो गई तो उनको इन लेबर्स की जरूरत पड़ी तो इनको बंदुआ मजदूर बनाते थे बंदवा मजदूर यूजुअली क्यों बनते थे क्योंकि कर्जे में आ जाते थे डेट अब मनी इकोनॉमी का टाइम था ठीक है अब ऐसा नहीं था ये जो प्रोड्यूस करते वही खाते अब इनको कैश में मिलती थी पेमेंट अब इनको मार्केट जाना पड़ता वो चीजें खरीदने के लिए एंड फिर वो कितना खरीदते हेल्थ के एक्सपेंसेस uh, होते थे मैरिज एक्सपेंसेस होते थे तो ऑफन ये किस में फंस जाते थे कर्जे के अंदर डेट के अंदर आ जाते थे तो इस वजह से क्या करते थे फिर वो डेट नहीं चुका पाते थे तो ये बंदो मजदूर एज जो अपना जमींदार है या डॉमिन कास्ट है उसके अंडर काम करते थे

ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ए माइंड रॉट फ्लड एक्सेट्रा अब देखो जब ये सारी कोई चीजें आ जाती है कोई नेचुरल कैलॉमिटी आती है तो वर्स्ट जो इफेक्टेड होते हैं वो कौन होते हैं वो आपका गरीब तबका ही होता है हर जगह कोविड में सबसे ज्यादा नुकसान गरीब तबके को होता है ठीक है अर्थक्वेक आ गया मकान जो थे लोगों के धस उस गए उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको उठाना पड़ता है गरीब तबके को उठाना पड़ता है क्योंकि उनको दोबारा से अपनी लाइफ जो है स्टार्ट करना उनके लिए इम्पॉसिबल होता है तो लैंडलेस होते थे फिर अगर किसी के पास थोड़ी बहुत लैंड होती भी थी बाद में वही डेट के चक्कर में एंड नॉन पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू जो ब्रिटिशर्स की अलग अलग पॉलिसी थी उसके अंडर वो पे नहीं कर पाते थे तो उनकी लैंड उनको उनकी लैंड उनसे छीनी जाती थी उसका ऑप्शन हुआ करता था मेनी ऑफ नॉन एग्रीकल्चर स्किल लेबर्स जो थे during British period also suffered as a result of ruining of handicraft and handloom and they failed to find a place in the industrialization process to so, वो भी कौन बन गए आप ये वो भी आपके रूरल लेबर बन गए और ये सारे काम आपके करने लगे क्योंकि जब ब्रिटिशर्स uh, यहाँ पे आए तो हमारी इकॉनमी जो थी हमारा कंट्रीब्यूशन जीडीपी का जो था इंडिया का टू द वर्ल्ड जीडीपी कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा चल रहा था हमारे अपने handicraft ठीक है ट्रेडिशनल हमारी फैक्ट्रीज चलती थी जिसे हर घर को एक फैक्ट्री बोला जाता था तो ये सारा हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम वगैरह तो ये सारी चीजें जो है चल रही थी लेकिन वो क्या हो गया जो हमारे ट्रेडिशनल थे जो ट्रेडिशनली लोग काम करते थे ये सारा जो ट्रेडिशनल फैब्रिक था इकोनॉमी का वो डिस्ट्रॉय हो गया इस वजह से जो लोग वहां से रह गए तो वो नॉन एग्रीकल्चर स्किल लेबर्स तो एग्रीकल्चर में भी काम नहीं कर सकते थे तो वो एज रूरल लेबर इन लोगों की सर्विसेस करने लगे ठीक है एज ए रिजल्ट ट्रेमेंडेस ट्वेल्थ देखने को मिला रूरल लेबर में एंड मार्जिनल पीजेंस में ठीक वो बर्डन दे वर द विक्टिम ऑफ द डबल बर्डन ऑफ कास्ट एंड क्लास जो कि मैंने आपको पहले ही बोला जो रूरल लेबर है हैज़ डिफरेंट फीचर्स अर्बन लेबर ठीक है अर्बन लेबर अलग है रूरल लेबर अलग है अर्बन ले लेबर जो है वो मार्केट इकोनॉमी में काम करता है एंड मनी इकोनॉमी में दैट मीन्स कुछ ना कुछ उसको पैसे मिलते रहते हैं जो एंड अगर उसको पैसे मिल रहे हैं वो मनी इकोनॉमी में काम कर रहा है कर रहा तो रूरल लेबर भी मनी इकोनॉमी में है लेकिन यहाँ पे क्या बात आती है वो कई एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम कर रहा है दैट मीन्स कोई एक फॉर्मल लीगल तरीके से काम कर रहा है ठीक है तो जो लेबर लॉज है वो उस पर अप्लाई होते हैं क्योंकि वो एक फॉर्मल कंपनी में काम करते जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यहाँ पे लेबर्स काम करते हैं वो किन्नी फॉर्मल कंपनीज में काम करते हैं दैट मीनस वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आते हैं उनके कोई रूल्स उनके लिए कोई राइट जो है वो बने हुए हैं लेकिन जो रूरल लेबर है ना वो काइंड ऑफ इनविजिबल हो गए हैं ठीक है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो वो फेस कर रहे हैं उनका रेगुलर सप्लाई ऑफ वर्क भी नहीं है क्योंकि जो रूरल इकोनॉमी है उनके खुद के लिमिटेड स्कोप्स है पहले तो रूरल इकॉनमी चलती है एग्रीकल्चर पे है एग्रीकल्चर खुद चलता सीजन पे है ठीक है तो उनको ऐसा नहीं कि है कि रेगुलर फ्लो ऑफ वर्क या रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम उनको रहेगा एंड वो किससे इफेक्ट होता है सीजनैलिटी से इन डेटनेस से मैं आप कर्जा बहुत ज्यादा होता है बॉन्ड्रीज उनको बंदो मजदूर ठीक है बेगार बना देते हैं सोशल सिक्योरिटी इतनी नहीं है माइग्रेशन करनी पड़ती है एंड माइग्रेशन ये करते हैं फिर माइग्रेट करके कहीं और जाएंगे वहां सही काम मिलेगा कि नहीं एंड जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनको हायर तो जल्दी किया जाता है वो लेकिन हायर इसलिए जल्दी किया जाता है क्योंकि उनके एक्सप्लॉयट करने के चांसेस बहुत हाई होते हैं उनको इजीली एक्सप्लॉयट किया जा सकता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था जो अपना घर बार छोड़ के आया है वो आराम से क्या कर सकता है वो आराम से क्या करता है उसको जो भी कंडीशन मिलती है उस पर वो काम ले लेता है ठीक है एंड देन उसको एक्सप्लॉयट बहुत आराम से हो मतलब हो जाता है वो ज्यादा जल्दी एक्सप्लॉयड पोअर एजुकेशन हेल्थ फॉर फैमिली एंड चिल्ड्रेन दैट मीनस एक सर्कल है जो सारा इकट्ठे सफर करता है फाइन तो ये था आपका थोड़ा बहुत अब हम देखते हैं टू इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है रिलेटेड टू रूरल लेबर इन इंडिया बॉन्डेज एंड माइग्रेशन ठीक है बॉन्डेज एंड माइग्रेशन जो दो इंपॉर्टेंट इशूज ये फेस कर रहे हैं तो हमने क्या देखा हमने पहले रूरल लेबर देखा फिर हमने देखा वो लैंडलेस अगर मार्जिनल लैंड होगी वो भी उनसे ली जाती है उनको इंडेटनेस वगैरह इन सब चीजों से वो इंपैक्ट होते हैं सीजनलिटी इंडेटनेस बॉन्डेज बेगार सोशल सिक्योरिटी माइग्रेशन फोर एजुकेशन हेल्थ फॉर फैमिली एंड चिल्ड्रन तो एक्सप्लाइटेशन की हर जगह से हाई होती रहती है अबे जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे प्राइवेट एक्यूमलेशन हुई उससे क्लास जो है रूरल लेबर है वो ज्यादा आगे फिर जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक था यहाँ का जिसमें हैंड लूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट वाला काम होता था वो खत्म हो गया तो जो नॉन एग्रीकल्चर स्किल्ड लेबर्स थे वो भी रूरल लेबर में आ गए तो ये क्लास जो है वो स्वेल हो गई एंड ये लो कास्ट को बिलोंग करते थे तो कास्ट एक्सप्लोटेशन ऑलरेडी फेस कर रहे थे एंड अब क्लास एक्सप्लोयटेशन भी फेस करने लगे ठीक है यही यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक फिर हम देखेंगे दो इंपॉर्टेंट इश्यूज जो ये फेस करते हैं मेजरली दैट इज योर बॉन्डेज एंड माइग्रेशन ठीक है तो बॉन्डेड लेबर क्या है आप उसको मॉडर्न डे स्लेवरी बोल सकते हो हमने पुराने जमाने में जैसे एंशंट स्लेव पढ़ा था आपने अगर आपको कार्ल मार्क्स का याद होगा उन्होंने एक कैटेगरी ही दी थी सोसाइटी uh, के एक मोड ऑफ प्रोडक्शन ही दिया था जिसमें उन्होंने एंशंट स्लेव सिस्टम की बात की थी स्लेवरी सिस्टम मास्टर स्लेव सिस्टम ठीक है एंशंट सोसाइटीज में तो उसमें क्या होते थे जो स्लेव होते थे वो आप आपने अपने काइंड ऑफ आपका उन पर राइट right होता है उनका अपना खुद का कोई से नहीं होता उनका अपना कोई राइट right नहीं होता आपने उनको खरीदा हुआ होता है ठीक है तो आप बाउंडेड लेबर को वैसा ही समझो एक मॉडर्न डे स्लेवरी टाइप का ही था जहां जो डेटर है उसको सर्व करना होता है जिससे उसने उधार लिया होता है ठीक है जितना उसने उधार लिया होता है उतने टाइम जब तक वो फुलफिल ना करे वो रीपे ना करे तब तक वो उसको सर्व करता है एंड समटाइम्स ये जनरेशन अक्रॉस भी चलता है अगर एक जनरेशन नहीं फुलफिल कर पाती तो दूसरी जनरेशन में भी जो है वो एज बॉन्डेड लेबर उनको काम करना पड़ता है जो डेटर होते हैं उनको ठीक है तो नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो है उसने डिफाइन किया है बॉन्डेड लेबर को एज लेबर विच रिमेन्स इन बॉन्डेज फॉर द डेट एंड ठीक है तब तक वो बॉन्डेज में रहता है जब तक उसका वो कर्जा पूरा ना हो दस इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन अ क्रेडिटर एंड ए डेटर जो हाईली अनईक्वल टर्म्स में है क्योंकि यूजुअली जो रूरल लेबर्स होते हैं ये अनपढ़ होते हैं इनको पता नहीं होता अपने राइट्स के बारे में ठीक है अगर इनसे को, कोई कहीं पे अंगूठा भी लगवा लेते हैं पेपर्स पे तब भी इनको पूरा पता नहीं होता कि उस पर सही कंडीशन लिखी है कि नहीं लिखी है तो ये साइकिल में हमेशा के लिए फंस जाते हैं 2018 की फाइंडिंग्स है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स की उन्हें कहा मोर देन एटीन एट मिलियन जो है मॉडर्न स्लेव अभी इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं

पर मजबूरी की वजह से उसको लेना पड़ता है एंड देन वो वापस नहीं कर पाता है ठीक है तो इसकी वजह से वो अक, मतलब अग्री करता है क्रेडिटर को जिससे उसने कर्जा लिया होता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा एट नॉमिनल और नो वेजेस टिल द टाइम द डेट इज पेड जब तक कर्जा मेरा पूरा हो जाएगा तब तक मैं तुम्हारे पास काम करूंगा तो बिल्कुल ही नीगर पैसों पे या बिना पैसों के एंड यूजुअली जो क्रेडिटर होते हैं वो ज्यादा चलाक होते हैं ठीक है थोड़े पढ़े लिखे भी होते हैं तो उनको अच्छे से एक्सप्लॉयड और मैनिपुलेट करना आता है जो डेट होता है टेंड्स टू इंक्रीज रादर डिमिनिश and the person in debt sometimes his or her family are bound for life and sometimes this slavery is transferred across generations also jo maine aapko bataya abhi usually hota kis wajah se over expenditure marriage mein death of the family bread earner natural hardships se calamities vagaira aa jati hain health issues इसकी वजह से उनको कर्जा लेना पड़ता है वो कर्जा उनको high interest rate पे मिलता है ठीक उनको regulation है नहीं इस चीज़ की तो हाई इंटरेस्ट रेट पर उनको कर्जा दे देते हैं एंड इसकी वजह से वो साइकिल में फंस जाते हैं वो कभी भी पूरा नहीं कर पाते अब जो बॉन्डेड लेबर है ये इंडिया के अलग अलग एरियाज में आपको मिलेगा इन अलग अलग नाम है अलग स्टेट्स में राजस्थान में इसको सागरी सिस्टम बोलते हैं वेटी सिस्टम बोलते हैं इसको एंड सिस्टम आंध्र प्रदेश में वेटी एंड बगेला बंदो मजदूर आपने सुना होगा नॉर्थ इंडिया में इसको बोलते हैं सौरखिया कमिया एंड रमस्या जनौरी इन बिहार हाली एंड हलपति सिस्टम इन गुजरात फीठा कर्नाटका वेट एंड बेगार इन महाराष्ट्र एंड जेठा इन एम पी दैट मीन ए थी, जो है आपके कंट्री फैला हुआ है अलग अलग स्टेट्स में आप अलग अलग नाम देखोगे जो अग्रीमेंट होता है लैंडलॉर्ड और डेटर के बीच जनरेशन ठीक है, अपनी देता है years, together, ये बात भी हमने करी मल्टीपल रीजन है की जो ले, रूरल लेबर है वो एंटर क्यों करता है इस इनवर्स रिलेशनशिप में अनइक्वल रिलेशनशिप में वो भी हमने देखा ओवर एक्सपेंडिचर बियॉन्ड वंस इकनॉमिक कैपेसिटी ठीक है इनकर्ड ऑन द अकाउंट ऑफ सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स वो पूरे करने के लिए जो आपके सोशल कस्टम्स होते हैं जो बर्थ के साथ फॉर एग्जाम्पल एसोसिएट हो गए मैरिज वो भी आपके सोशल कस्टम्स आएंगे रिलीजियस फेस्टिविटीज वगैरह पूरी करने के लिए इस चीज़ की वजह से इस कर्जे के साइकिल में फंस जाते हैं जो कास्ट सिस्टम एंड अनुअल रिलेशन है ऑफ इट इज वन ऑफ द प्राइम रीजन वेर इन लोअर कास्ट वर्क एज बॉन्डेड लेबर्स इन द अरेंजमेंट ऑफ द हाई कास्ट तो कास्ट सिस्टम भी है कास्ट क्लास नेक्सेस यहाँ पे भी साथ साथ चलता है क्योंकि जबकि लो कास्ट के होते हैं यूजुअली Uh, आने वाले टाइम आगे इक्कीसवीं सदी तक ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी तक वही लोग हैं जो पॉवर्टी में रह गए फाइन एंड वही लोग हैं जो फिर uh, मतलब वो कर पाते हैं दूसरों के यहाँ एज बॉन्डेड लेबर काम कर पाते हैं क्योंकि वो सो कॉल्ड लो कास्ट को बिलोंग करते हैं एंड उनकी पुरानी जनरेशन ने भी ऐसा किया होता है तो वो इस चीज़ को एज अ ठीक है वो इस चीज़ को बुरा नहीं मानते एंड उस चीज़ उनको ये चीज़ अजीब भी नहीं लगेगी कि मैं ऐसे हाई कास्ट को सर्व करूंगा क्योंकि उनकी जनरेशन्स के साथ वो एक्सप्लॉटेशन ऑलरेडी बहुत टाइम से हुई है जजमानी सिस्टम को चाहे एम एन श्रीनिवास ने उनको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा हो कि अच्छे रिलेशन थे वगैरह इंटरडिपेंडेंस थी लेकिन जजमानी सिस्टम में भी फॉल्टी सिस्टम था कि जो कामिन था जो सर्व करता था जजमान को वो लोअर कास्ट को ही बिलोंग करता था ठीक है तो वो चीज़ जो है इनके माइंड में इनग्रेन्ड है कि हाँ हम सर्व कर सकते हैं ठीक है तो इसीलिए सर्व इनके पास ये ऑप्शन भी है चलो अगर कर्जा पूरा नहीं कर पाए हम उनके यहाँ काम करेंगे तो इस वजह से भी क्या हो जाता है दोनों तरफ से चीजें जो है इनको एक्सप्लोय कर रही हैं एंड लेस एजुकेशन की वजह से लेस अवेयरनेस की वजह से अपने राइट्स पता ना होने की वजह से भी ये सारे जो इस साइकिल में फंस जाते हैं चिल्ड्रन को इन काम में फंसाना जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ बॉन्डेड ह्यूमन लेबर बॉन्डेड लेबर ठीक है सिस्टम एम्प्लाइज इन्फ्रेंजमेंट ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट एंड बेसिक आई एल ओ ने इस बारे में बहुत बातें की हैं ठीक है हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस बारे में बात की हुई है तो खासकर अगर बच्चे होंगे बॉन्डेड लेबर तो वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ क्या है ह्यूमन राइट इश्यू आ जाता है बेसिक ह्यूमन राइट की वो इन्फ्रेंचमेंट है इसका डिमनाइजिंग नेचर की वजह से एंड वायलेशन ऑफ मल्टीपल ह्यूमन राइट्स की वजह से इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज मॉडर्न ठीक है ये भी हमने देखा हिस्टोरिकली ज्यादा इंटेंस हो गया विद द स्प्रेड ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड ड्यू टू योर रूरल पावर आई गेस यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है मैं आपको ये जब नोट्स प्रोवाइड करूंगी टेलीग्राम ग्रुप में तो वो मैं करेक्ट फॉर्म में आपको कर दूंगी तो डोंट वरी अबाउट इट ठीक है मैं दोबारा से स्कैन करूंगी द डिग्री ऑफ बॉन्डेज जो है वेरीज एंड इसके बारे में बुर्धन एंड रुद्र ने क्या कहा था हैव क्लासिफाइड देम एज एक्सट्रीमली अटैचड एंड पार्शली अटैच ठीक है एक्सट्रीमली अटैच वो होते हैं दोज हु बॉन्डेज एंड पार्शली अटैच जो होते हैं वो टोटल बॉन्डेज में नहीं है ठीक है गवर्नमेंट जो है ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टूक मल्टीपल स्टेप्स एंड करने के लिए बॉन्डेड लेबर को अब क्या क्या उन्होंने किया है आर्टिकल ट्वेंटी थ्री जो है इसको प्रोहिबिट करता है एंड आर्टिकल ट्वेंटी थ्री आपका फंडामेंटल राइट right है फंडामेंटल राइट right की वॉयलेसन करोगे अगर आप आर्टिकल जो थ्री है वो आप uh, नहीं मानोगे ठीक है बॉन्डेड लेबर में आप ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओगे

कॉल्ड फॉर एफर्मेटिव एक्शन अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर तो ये सारी जो है एग्जाम्पल्स हैं ये आपको क्या करनी है ये आपको लर्न करनी है मेमोराइज करनी है ये आपको आंसर में एंड ऐसे में हेल्प करेगा इससे आप अपने आंसर का इंट्रोडक्शन भी बना सकोगे अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड इससे आप अपने आंसर को कंक्लूड भी कर सकोगे एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ठीक है तो काफ़ी अच्छा रिच कंटेंट जो है आपको इस जो है नई पी डी एफ सर की नई पी डी एफ में मिल जाएगा तो हम रूरल लेबर पढ़ रहे पढ़ रहे थे रूरल लेबर की हमने पहले प्रॉब्लम्स देखी बॉन्डेड लेबर की क्या उनकी प्रॉब्लम आती है अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बड़ी फेस करते हैं विच इज रिलेटेड टू माइग्रेशन वो हम इनके देखते हैं माइग्रेशन ऑफ रूरल लेबर में क्या क्या चीजें आती हैं तो माइग्रेशन ऑफ रूरल लेबर फोर्स जो है इन टू अनदर वेल ऑफ एरियाज इज अ हॉल मार्क ऑफ द डेवलपिंग एंड द अंडर दिन इकोनॉमीज एज रूरल एरियाज आर ऑफन लेफ्ट बिहाइंड इन द डेवलपमेंटल रेस अब सारे अगर माइग्रेट करेंगे देखो अगर आप रूरल से जाओगे अर्बन में ठीक है तो रूरल जो है एरिया वो पीछे रह जाता है फाइन वहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स होती है माइग्रेशन की वजह से हमने माइग्रेशन के इश्यूज पड़े हैं एंड इससे क्या होता है जो अब अर्बन एरिया में जहाँ जा रहे हो वहाँ भी प्रॉब्लम हो जाती है काफी क्योंकि वहाँ के रिसोर्सेज भी कम हो रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है तो माइग्रेशन ना जहाँ से हो रही है वहाँ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है और जहाँ जा रहे हो वहाँ के लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता है कंसेजिंग लैंड उतनी ही है एंड उस लैंड पे लोगों की डेंसिटी जो है वो बढ़ रही है डिस्ट्रेस रूरल लेबर जो है ऑफन रिजोर्स टू तो माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज फॉर बेटर पासचर्स बट एंड इन लो की जॉब्स ठीक है तो उनको बेटर लाइफ स्टाइल चाहिए होता है बेटर पैसे चाहिए होते हैं लेकिन वहां पे भी वो क्या करते हैं फिर उनको स्लम्स में रहना पड़ता है तो वहां पे बीमारियां एंड देन वहां पे भी उनको पेमेंट कितनी ज़्यादा मिलेगी कितनी कम मिलेगी कितनी ज़्यादा मिलेगी वो सारे इश्यूज भी वहां पर वो फेस करते हैं तो माइग्रेशन ऑफ लेबर है उनके डेमोग्राफिक सोशल कॉन्सिक्वेंस दोनों होते हैं डेमोग्राफिक होते हैं रिलेटेड टू ए पॉपुलेशन ठीक है स्क्यूड सेक्स रेशियो हो जाता है रूरल एरियाज में सोशल कॉन्सिक्वेंस है जहां पे वो जाते हैं वहां उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है ठीक है आप देखो जैसे यहाँ पे काम करने आते हैं पंजाब में हरियाणा में अगर बिहारी काम करने आते हैं मजदूर तो उनको वो नेम कॉलिंग होती है ये तो भाई हैं है ऑल दैट ये सारी चीजें हमने सुनी है इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स बोल रही हूँ ये रियालिटी में आज भी होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा अभी भी होता है फाइन तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या होता है फेस करनी पड़ती है सोशल कॉन्सिक्वेंसेज माइग्रेशन के ये उसमें आएगा ठीक है मेल पॉपुलेशन रिजॉर्ट्स टू माइग्रेशन अब मेल पॉपुलेशन माइग्रेट करेगी जैसे पीछे फीमेल बच जाती हैं तो स्क्योर सेक्स रेशियो होता है फीमेल एग्रीकल्चर में काम करती हैं ठीक है तो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी जो हमने पढ़ा था वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं फाइन एंड अगर वुमेन भी काम करने जाएंगी तो वुमेन को उतनी पेमेंट नहीं मिलती है जितनी सेम वर्क के लिए मैन को मिलेगी तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं वुमेन चिल्ड्रन ओल्ड पेरेंट्स ऑफ माइग्रेटेड वर्कर्स फेस देयर ओन प्रॉब्लम्स इन द विलेज फॉर इंस्टेंस पुअर एरियाज़ में वाइल मेल फैमिली मेम्बर स्पेंड मच ऑफ द ईयर वर्किंग आउटसाइड द विजेज कल्टिवेशन हैज प्राइमली बिकम अ बिकम अ फीमेल टास्क तो किस को करना पड़ता है यूजली फीमेल्स पीछे काम करती हैं एग्रीकल्चर में फाइन तो उसमें क्या हो रहा है वहाँ पे फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हो रही है साथ में यही यहाँ पे लिखा हुआ है द वुमेन इमर्जिंग एज अ मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर लेबर लीडिंग टू द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर फोर्स ठीक है जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है अमंग द वुमेन इज ग्रेटर बिकॉज दे लोअर वेजेज देन मेन फॉर सिमिलर वर्क अब देखो बड़ी बड़ी कंपनीज में एजुकेटेड कंपनी जहाँ पे एजुकेटेड लोग काम करते हैं ठीक है रन बाय बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पे पे गैप इतना है अब सोचो जो वुमेन काम करेंगी रूरल एरियाज में मेन की जगह या अर्बन एरियाज में भी लेकिन ऐसे लो की जगहों पे तो वहाँ पे कितनी पे पैरिटी होगी ठीक है तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है माइग्रेशन ऑल्सो ब्रिंग्स न्यू चैलेंजेस टू वर्कर्स दें हू एट टाइम्स फेस हॉस्टाइल इन्वायरमेंट्स एंड आर प्रोन टू मल्टीपल वेलरबिलिटीज एट प्लेस ऑफ माइग्रेशन हाउसिंग की प्रॉब्लम सैनिटेशन की प्रॉब्लम है बड़े इशूज है जो उनको वहाँ पे फेस करने पड़ते हैं फर्दर जो माइग्रेटेड वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी नहीं मिलती ड्यू टू लैक ऑफ लोकल आइडेंटिटी ठीक है तो यूजअली वहाँ जाके वो रजिस्टर करना वहाँ जाके वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाना वो सब इन चीज़ों में नहीं पड़ते क्योंकि इन चीज़ों में खर्चा आता है टाइम बहुत जाता है एंड उनको डेली बेसिस पे अर्निंग करनी होती है ठीक है एक दिन नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या तो वो यूजअली ऐसे काम नहीं करते एंड इस लोकल आइडेंटिटी की वजह से उस स्टेट से वो बेनिफिट्स भी नहीं ले पाते हैं और तो कुछ काम किया गवर्नमेंट ने जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड बना के कि वो हर जगह से अब जो है वो राशन कार्ड से अपने बेनिफिट जो है अवेल कर सकते हैं ठीक है लेकिन फिर ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली कितना होता है वो सब चीजें हमें पता ही है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन एंड अदर रीजनल डिस्पेरिटीज प्रोमोटेड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन बिग वे ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है जैन ब्रीमानी मैंने आपको बोला फुटलूज लेबर इनको बोला गया है खासकर हमारे कोविड के टाइम पे सामने आया था जब इनको माइग्रेट करना पड़ा था तो कितनी इश्यूज हुए थे तो कितनी प्रॉब्लम इन्हें फेस करी थी बट दिस इज नॉट एम्प्लॉय फ्रीडम लेबर फ्रॉम बैकवर्ड रीजन लाइक बिहार यूपी बंगाल एटसेट्रा माइग्रेट प्रोस्पेरस रीजन लाइक हरियाणा पंजाब वेल्थी फार्मर्स जो है वो प्रेफर करते हैं माइग्रेंट वर्कर्स को एम्प्लॉय करना क्योंकि उनको एक्सप्लॉयटेशन अच्छे से कर सकते हैं लो वेजेस उनको पे करते हैं ठीक है थी? ये बात भी मैंने आपको बताई जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको फेस करने पड़ती है मल्टीपल डेरिवेशन डेरीवेशन एज देर इज नो हाउसिंग एंड हेंस नो फिजिकल सिक्योरिटी उनको वहाँ पे कोई फिजिकल सिक्योरिटी जो है वो नहीं मिलती है ऑफन दे क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं होता है एंड उनके जो पैसे होते हैं वो चोरी होने का खतरा भी ज़्यादा होता है उनको लिंग्विस्टिक कल्चर प्रॉब्लम्स वहाँ पे होती है वेल्थी स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा में स्टीरो किया जाता है एज बिहारी पुरवैयाज वगैरह दे आर सब्जेक्टेड टू वर्बल अब्यूजेज तो ये कल्चर सोशल कॉन्सिक्वेंसेज इन सब चीज़ों के माइग्रेशन के ठीक है उनको फेस करने पड़ते हैं मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करते हैं इंक्लूडिंग डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज दे हैव टू एडजस्ट देयर फूड हैबिट्स आल्सो हैबिटिंग अकॉर्डिंग टू द एलियन कल्चर ठीक है फूड हैबिट्स भी उनको एडजस्ट करने पड़ते हैं तो काफी उनको चेंजेस और एडजस्टमेंट्स खुद में लानी पड़ती है ड्यू टू द माइग्रेटरी नेचर ऑफ द वर्क एंड एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन सफर्स ग्रेटली एज ए रिजल्ट मोर ऑफन देन नॉट दिल्ड्रन ऑल्सो ड्रॉन इन टू कैज लेबर वर्क फॉर टू पोर एजुकेशन ठीक है तो इतना कमा नहीं पाते कि बच्चों की अपनी एजुकेशन वगैरह भी पूरी कर पाएं तो चांसेस मैक्सिमम होते हैं क्योंकि बच्चे भी क्या कर रह जाते हैं वो भी कैजुअल लेबर बन के ही रह जाते हैं पोर एजुकेशन की वजह से आर साड ऑफ फैमिली सपोर्ट एज ऑफन दे माइग्रेट अलोन एंड ड्यू टू इश्यूज लाइक हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन रीजन वेर दे माइग्रेट तो यहाँ पे आप एलिनेशन वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो कॉल मार्क्स का Take care. ज नो सोशियो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ऑफर्स टू सच माइग्रेंट लेबर ठीक है ऐसी इकोनॉमिक प्रोटेक्शन को नहीं मिलती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऐसी कोई नहीं है जो उनको अच्छे से कवर करेगी ड्यू टू लैक ऑफ देयर लोकल प्रूफ हाइट क्योंकि वो स्टेट को बिलोंग नहीं करते हैं तो यूजली जो स्टेट के बेनिफिट होते हैं वो उनमें कहीं ना कहीं कटेगराइज uh, नहीं होते हैं दे आर इवन एक् एक्सक्लूडेड फ्राम सम ऑफ द एक्सिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक यू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करता है एमजीनरगा जो क्या करता है ऑफ सीजन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है हंड्रेड डेज के लिए जो एम्बिश यूनिक आइडेंटिफिकेशन आपका प्रोग्राम आधार है हैज़ बीन लिंक्ड विद द राशन कार्ड्स इन इंडिया एंड 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो मैंने कहा इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप है माइग्रेंट्स के लिए क्योंकि विदाउट इवन राशन कार्ड आप कहीं ना कहीं रजिस्टर हो जाओगे आपके बायोमेट्रिक्स के बेसिस पे एंड देन आपको क्या मिलेगा राशन मिल जाएगा तो ये एक अच्छा स्टेप है इनके लिए भाई लास्ट पैराग्राफ में कुछ स्कीम्स देख लो एन आर ई पी हो गया ट्राइसम एन आर एल एम वगैरह जवाहर जवाहर रोजगार योजना ये एंटी पॉवर्टी स्कीम्स प्लस लैंड रिफॉर्म्स में लैंड रिफॉर्म्स से जो लैंडलेस हैं दे वर गिवन लैंड एज अ पार्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ये जो गवर्नमेंट ने इनके बारे में कुछ सोचा है कुछ स्टेप्स लाए आपका राइट टू तो एजुकेशन एक्ट जिसमें एजुकेशन कंपल्सरी करी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ रूरल लेबर फाइन आपका आम आदमी बीमा योजना इनको इंश्योरेंस कवर देने के लिए जननश्री बीमा योजना हाउसिंग प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग इज एड्रेस बाय स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना तो आप क्या करोगे थोड़ी स्कीम्स आप याद कर लोगे या आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो बनाएगी फाइन लेकिन प्रॉब्लम बाद में आपको हमेशा क्या याद रखनी है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है प्रॉब्लम हमेशा इंप्लीमेंटेशन में ही रहती है जो स्कीम्स होती हैं दे आर नॉट इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड ऑल द स्टेट्स लाइक केरला वगैरह में दे आर डिलीवरिंग गुड रिजल्ट लेकिन बिहार यूपी जैसी जगहों पर जो कंडीशन ऑफ रूरल लेबर है इज नॉट वेरी एनकरेजिंग ठीक है तो यहाँ पे हम लेक्चर स्टॉप करते हैं नेक्स्ट वीडियो uh, में हमें चैप्टर कंप्लीट करेंगे वाइंड अप करेंगे चैप्टर टिल द टाइम अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे